भाई दीदी ने अलग ही मचा रही है भाई, मजाक नहीं कर रहा। 25 से ज्यादा यूट्यूबर आए हुए हैं। जस्ट लुक एट द क्राउड भाई, शी इज रियली रियली स्ट्रांग। क्योंकि मेरे सामने जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, उन्हें देख के मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ कि मैं तो बहुत जल्दी रो जाती हूँ, पर शी इज टैकलिंग इट वेरी वेल एंड हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल। क्योंकि जो चीजें मैं 2 घंटे में देख चुकी हूँ ना, वो उसे देख के भाई इट नीड्स करेज, अ लॉट ऑफ करेज टू स्टैंड इन द पब्लिक एंड ऐसी चीजों को हैंडल करना। आई जस्ट रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस स्पेशली कि प्लीज यहाँ पे सिक्योरिटी का रेंज आपको करवाना पड़ेगा। एंड दिल्ली की सारी जनता से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, क्योंकि यार कल को अगर हमारे घर से कोई फैमिली ऐसी खड़ी होगी तो आगे कोई भी धमकी देके थोड़ी चला जाएगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे को इतनी भीड़ में लेके मत खड़े हो प्लीज। उससे वाली वीडियो होगी ना, वही वीडियो डाल दे। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, यू गाइस आर वाचिंग भाई सैटरडे के व्लॉग का एक नया दिन। और मुझे पता है कितने दिन से आप दीदी के व्लॉग देख रहे हो, तो दीदी के व्लॉग की शुरुआत देख देख के भाई पक गए होगे। तो आज आपको दिखाएंगे बहुत ही बढ़िया शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे बढ़िया शुरुआत में, मुझे भी नहीं पता क्या करेंगे, मगर भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों क्यों होने वाला भाई, क्यों होने वाला बताओ भाई, तुम बताओ क्यों होने वाला है। तुम्हें पता है भाई क्यों होने वाला, नहीं पता? तुम्हें पता क्यों होने वाला, नहीं पता भाई? तुम्हें पता है? मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँ जल्दी से भाई। कपड़े गए मेरे, ओ ये रे भाई, ये रहे हमारे कपड़े। और आज हम रेडी होंगे टिकटॉक स्टाइल में। तो भाई फाइनली देख रहे हो, तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है टिकटॉक स्टाइल में। अब भाई जल्दी से चलते हैं। और भाई वो लोगों का फोन आया मेरे पास, वो लोग गाड़ी में पहुंच चुके हैं। पार्किंग जाना, सबसे पहले पार्किंग पहुंचेंगे, पार्किंग से फिर गाड़ी बैठेंगे और गाड़ी पहुंच के हम जाएंगे उन दीदी के पास। आज हम जा रहे हैं जहाँ पे भाई बताता हूँ, नीचे जाके बताता हूँ, पहले नीचे चलते, चलो आओ। भाई हम लोग जा रहे हैं फाइनली बड़ा पाव वाली दीदी के पास। आपको याद है दिल्ली में वायरल दीदी चल रही है बड़ा पाव वाली, तो भाई हम लोग उनके पास गए थे एक बार, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरली भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हम लोग उस दिन उनका कंटेंट शूट नहीं कर पाए थे और हम लोग गए भी लेट थे, 6:30 बजे अराउंड गए थे, बट तब तक भाई रात भी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई। तो भाई फाइनली आज टाइम मिला है हमें जाने के लिए उनके पास, तो अब हम लोग जाएंगे उनके पास और भाई वीडियो शूट करके आएंगे उनकी। क्या हाल है भाई, क्या हाल है प्रियंका दी? भाई प्रियंका तो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बात करें फोन पे भी किससे। और भाई सीन हो गया एक तगड़ा कि हम लोग माइक नहीं लाए वीडियो शूट करने हैं। ऋषभ भाई ने एक्चुअली मेरे को बोला था वीडियो माइक लेकर आने के लिए, मगर भाई क्या सीन था, मेरे माइक का भी चला डॉक्टर ने चार्ज नहीं था, मेरे को चार्ज में तो लगाया भी था मगर भाई वो घर पे रह गया, जल्दबाजी चक्कर में भाग के आ गया। और भाई पता चला कि ये लोग भी माइक नहीं लाए, तो थोड़ा सा हो गया स्यापा। बिल्कुल तैयार हूँ। क्या कर ऋषभ भाई? 2:45 में कह रहा था मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे यार मैं एडिटिंग का काम कर रहा था थोड़ा सा। चलो और प्रियंका जी कहाँ लगे बैठे हो? यार थोड़ा बहुत कंटेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, रिसर्च आजकल सब छोड़ दिया मैंने, सिर्फ काम 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 करती रहती हूँ। नहीं नहीं सही है भाई, कर लो कर लो, अच्छी बात है। रील एडिट कर रही हूँ, इंस्टा पे जाके यार प्यार दिखाओ, साटी गड्डी फॉलो नहीं कर रखा आप लोगों ने, कैसे चलेगा यार? मतलब मैं थोड़ी सी लेट क्यों हो गई, पर आप लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे मुझे? ये बात सही है, हमें ऐसा अब थोड़ा बहुत ऐसा लग जाता कभी कभार कि यार हमें इंस्टाग्राम बहुत पहले चालू करना चाहिए था। तो हम लोग भाई पहले हम फेसबुक पे, पहले भाई हम यूट्यूब पे, फिर फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आना ही भूल गए हम। इंस्टाग्राम पे हम तब आए जब हमें लोगों ने बोला कि भाई इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, तब जाके इंस्टाग्राम पे आए हम फाइनली। और पहुंचने वाले भाई, भाई दीदी ने अलग ही मचा रही है भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई। दिल्ली का कोई भी ऐसा फूड ब्लॉगर नहीं है जो उनकी दुकान पे आके वीडियो नहीं बना के गया भाई, तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था पब्लिक से कि भाई जाओ बना के आओ, जाओ बना के आओ। तो भाई हम लोग फाइनल आ चुके हैं और भाई चलो अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं ना भाई, दुकानदार नहीं आया मगर लोग आ गए, ब्लॉगर्स आ गए भाई साहब। क्या हाल है बेटा? क्या हाल है, कैसे हो? क्या हाल है बच्चे? कैसे हैं अंकल जी? तुम्हें देख नहीं रहे, बड़ी देर हो गई है। देखे इनके वीडियो मैंने भी, पता क्या होता है जैसे अंकल से पहली बार मिल रहे हैं लेकिन ऐसे लग ही नहीं रहा पहली बार मिल रहे हैं। बेटा तो पहली बार कहाँ मिली है, तो मुझे मिली है रोज सुबह शाम फोन पे खाना खाते टाइम देखते हैं जब हमारे सब्सक्राइब कर रखा है। अरे सर थैंक यू सर, भैया अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया थोड़े दिन से, 7-8 महीने से, अरे प्रवेश फूड ब्लॉग से आप लोगों को देख के सही बता रहा हूँ भाई। अभी सीन क्या है, अभी दीदी का फोन आया है और भैया का फोन आया, तो हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनके घर से बना रहे हैं कि घर से निकलते निकलते कैसे कैसे यहाँ तक आते हैं। भाई ऐसे लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कमाया जिंदगी में, तो वो है प्यार लोगों का, है ना, लोगों का प्यार। मजा आता है अनजान शहर में भी क्योंकि लोग जानते हैं। क्या हाल है सर जी, सुपर ह्यूमन, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ? आप ठीक है? इतनी एनर्जी है ना इनमें भाई, एनर्जी हमारे रोज ट्रैवल कर लेते हैं दिल्ली में, काफी ऐसी ऑफिस से ही आए, इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं कि भारी का इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, नहीं वीडियो बनाने के लिए, है ना। 25 से ज्यादा यूट्यूबर
यूट्यूबर है, 25,000 यूट्यूबर आए हुए हैं। इतना जमावड़ा खाने का नहीं जितना यूट्यूबर का। और अभी लाइन लगेगी, अभी वेट करो बस। भाई जस्ट लुक एट द क्राउड मैन। ये पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ भाई, दिस इज द पावर ऑफ अ पावर ऑफ अ यूट्यूब चैनल। नहीं, पावर ऑफ सोशल मीडिया। नहीं, पावर ऑफ फूड ब्लॉगर। अब सही बोला। ये ना एक अच्छी चीज होती है, मतलब जहाँ आपको लोगों को प्यार मिल जाता है ना, वहाँ पे आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और ये अभी की मेहनत है, बहुत टाइम की मेहनत है। लेकिन अभी इससे पहले जो कलेश हो रहे थे वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। यार मुझे गुस्सा आ रहा है लिटरली, कि जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है 100 लोग उसको नीचे खींचने वाले हो जाते हैं। भाई प्रियंका दी फाइनली अंदर जा चुकी है, अंदर चल रहा है दीदी कट रही है। और भाई जस्ट लुक एट द क्राउड मैन, जस्ट लुक एट द क्राउड भाई। ये बड़ा पाव खाने हैं सारे के साथ, और आधे लोग वीडियो बनाने भी आए। आपको दीदी को दिखाने की कोशिश करते हो, दीदी कहाँ खड़े भाई, वो देखो दिख रही अंदर भाई, वो देखो दीदी लगी बड़ी है घमासान करने में, दब दब। सही है भाई, पहले जब हम आए थे कोई भी नहीं था, और अब देखो भीड़। ओ माय गॉड, बच्चे कुछ भी भीड़ में लेके मत खड़े हो प्लीज। मैं देती हूँ मैम, आप आ जाओ ऐसा बहुत बार अक्सर यही होता है कि जनरली लोग शक्ल से पहचान लेते हैं, नाम नहीं पहचान पाते, क्योंकि क्योंकि हमारी वीडियोस में ना खाना ज्यादा होता है, हम थोड़े कम होते हैं, तो इसलिए नाम याद नहीं आ रहा। हाँ इसलिए नहीं पता, पर जहाँ खाना होगा वहाँ हम दिख जाएंगे। क्या बात सर, भाई जस्ट लुक एट द क्राउड। मैं कह रहा हूँ, मैं पहले पता लाइन बोल रहा था जस्ट लुक एट द क्राउड, फिर मैंने चेंज कर दिया, मैंने जस्ट लुक एट द कैमरामैन। भाई देख रहे हो, दे ऑल आर फूड व्लॉगर्स मैन, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग अपने लिए शूट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और के लिए शूट कर रहे हैं, यहां पे बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री। यहां पे कितने लोग अपने लिए शूट कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं। ये जो गुस्से वाली वीडियो होगी ना, भाई वीडियो डाल दे, भाई करते हैं ये लोग। नहीं तो अच्छा हो गया ना, नहीं हम खुद ही बोलते हैं, हम खुद ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि रोना हंसना खेलना सब चलता रहता बिहाइंड द सीन में, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप सब लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उस पर टीआरपी मिलती है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तारीफ आ रही पीछे से है। मैंने यहाँ पे हंसाया नहीं कितने सारे लोगों को, देख सब हंस रहे, सबके फेस से स्माइल है। सब लोग एक नई मिल गए, ये बड़ी खुशी की बात है भाई। क्या बात है, मैं एक बार मैडम के लिए बोलना चाहता हूँ, मैडम के लिए बोलना चाहता हूँ, बोलो। देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आगे बढ़े, बस ऐसे ही खजाने ढूंढते रहो। नहीं, और पॉजिटिव रिव्यू दो, नेगेटिव करके लोग छोटी रास्ता चुन लेंगे, पॉजिटिव दो। मैंने एक पॉजिटिव दिया था आपका, वो जो आपने प्लेन बताया था ना, पब्लिक उस पे पागल हो गई, पॉजिटिव दो। अच्छा भाई एक बात दीदी की सबसे बड़ी लगेगी, दीदी ने ना मतलब बहुत सारे फूड व्लॉगर्स आए, दीदी ने किसी को मना नहीं करा कि मत बनना हो, है ना। जनरली दुकानदार बोल देते कि भाई हो गया बस हो गया, इतना ही बहुत है, और दीदी ने मना नहीं करा। भाई न्यूज़ वाले भी आ गए भाई, यहाँ पे इतना प्यार मिला ना लोगों का। एनीवे मैं बोल रही थी कि चंडीगढ़ को मैंने देखा रोते हुए वीडियोस में, उस दिन आप लोग आए भी थे, बहुत बड़ा कलेश भी चल रहा था। तो जब इंसान हाय सबसे बड़ी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आपको देख के दो, एंड यू आर मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट यू आर इन द कैमरा।
ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬੜਾ ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਅਰੇ ਬਾਪ ਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਟੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਮੇ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਰਾਮ ਸੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਆਪ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਆ ਸੋ ਕਿਊਟ ਗੱਲੂ ਦੇਖੋ ਖੇਲ ਲਿਆ ਟੋਕਨ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਟੋਕਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ यहाँ पे ना निखिल रोज आया जाएगा सुबह दिखाया कर अच्छा मैं कह रहा हूँ चाय की दुकान खोलूंगा बगल में दीदी पहले फ्री भी लाऊंगा फिर 10 रुपए की लाऊंगा आपकी शादी हो गई है ना हाँ जी बड़ा पाव कैसा लगा एकदम बढ़िया कैमरे अभी तो बिना कैमरे के कह रहे थे यार कैसे लोग है भाई भैया क्या हो रहा है देश में अभी आपने बोला कि मुझे नहीं काम खराब करना पर आप कह रहे थे कि हम दिल्ली से हैं तो आपको थोड़ा मसाले कम लगे बाबू मुंडा मुंडा कह रही हूँ मुंबई का स्वाद ना ऐसे ही होता है तभी दिल्ली वाले तेज होते हैं हाँ ये बात सही है यूनिक ने भाई दिन में आए थे और रात हो चुकी है और अभी भी देख रहे हो 10 लोग का क्राउड मैन लगा रहेगा और सर जा रहे हैं बाय बाय टेक केयर भाई मजा आ गया फुल मजा आ गया ना बाजी ने तो थोड़ा और शूट होने वाला है बाजी ने मजा आ गया धन्यवाद यहाँ को गए शूट करवा देंगे अरे ज्यादा शूट नहीं कराना शूट करा देंगे नहीं शूट नहीं कराना चलो भाजी ठीक है धन्यवाद भाई मिलते हैं ना क्या भी बताइए भाई ऐसे लोग मिलते रहते प्यारे प्यारे भाई मजा आता है दोनों आओ सर भाई फाइनली घर आ चुके हैं और भाई साहब हालत खराब हो गया मजाक नहीं कर रहा भाई मैंने कुछ भी शूट नहीं करा मगर फिर भी शरीर इतना टूट गया इतना थक रहा हूँ ना बस पूछो मत अब भाई क्या करना है जल्दी से ब्लॉग को एडिट करना है अपलोड करना है और आपको भाई बड़े बड़े कंटेंट दिखाना है तो मिलते हैं भाई आपसे कल के बड़े से ब्लॉग में तब तक के लिए भाई अलविदा जाते हैं और ढूंढते हुए कंटेंट और ढूंढेंगे तो आपसे जरूर मिल जाएंगे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई अगर पसंद आई तो चैनल को फॉलो करना लाइक करना शेयर करना और भाई क्या करो व्यूज इतने गिर गए हैं उसे दोबारा उठाओ यार थोड़ा मेहनत करो यार आप लोग भी प्लीज़ यार